जय श्री राम। दोस्तों, अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद पहली बार 14 कोसी परिक्रमा सुनियोजित ढंग से स्टार्ट की गई है, प्रारंभ की गई है, जिसके लिए यहाँ पर प्रशासन के द्वारा, लोगों के द्वारा बहुत ही जोर शोर तरीके से, या यूं कहें कि बहुत ही उम्दा तरीके से तैयारी दोस्तों यहाँ पर की गई है, जिसकी साज सजावट से लेकर के साफ सफाई के लेकर से लेकर के सारी व्यवस्था बहुत ही दुरुस्त है। दोस्तों, जो दिवाली के समय पर यहाँ लाइटिंग की व्यवस्था की गई थी, वो सारी व्यवस्था अभी तक यथावत जारी है, और ये देव दिवाली मतलब 15 नवंबर तक ये लाइटिंग की व्यवस्था इसी तरह की जारी रहेगी। जिन लोगों को यहाँ पर आकर के लाइटिंग की व्यवस्था देखनी हो, वो अभी भी देव दिवाली तक आकर के यहाँ पर देख सकते हैं। लेकिन दोस्तों, इसके लिए आपको वहाँ पर एक रात रुकना आवश्यक हो जाएगा, क्योंकि रात को ही लाइटिंग की व्यवस्था आप लोग देख सकते हैं। जो लाइटिंग की व्यवस्था की गई है अयोध्या के राम मंदिर से लेकर के सरयू घाट तक, और 14 कोसी परिक्रमा का जो एरिया है वो पूरे में लाइटिंग की व्यवस्था की गई है। दोस्तों, आपको बता दूं कि 14 कोसी का मतलब होता है 42 किलोमीटर। एक कोस में 3 किलोमीटर होता है, जो आज के युवा हैं, आज की पीढ़ी है, उनको नहीं पता कि एक कोस में कितना होता है। तो एक कोस में 3 किलोमीटर होता है, इस तरह से 14 कोस में 42 किलोमीटर हो जाता है। तो 42 किलोमीटर की ये परिक्रमा पहली बार स्टार्ट की गई है। दोस्तों, ये जो परिक्रमा पहले की जाती थी वो बहुत ही सकरे गलियों से, बहुत ही अव्यवस्थित तरीके से की जाती थी, लेकिन जब से रामलला विराजमान हुए हैं अयोध्या में, तब से यहाँ पर व्यवस्था या कायाकल्प बिल्कुल पलट गई है। दोस्तों, आज 6:32 पर, 9 नवंबर को 6:32 पर इसका मुहूर्त था, जो अब स्टार्ट हो चुका है, और ये अगले दिन 10 नवंबर तक शाम को 4:45 तक इसका मुहूर्त है। तो अब जो ये परिक्रमा का समय है, आज से 9 नवंबर 6:32 से लेकर अगले दिन 4:45 तक ये चलेगा। परिक्रमा में, 14 कोसी परिक्रमा में भाग लेने के लिए दोस्तों देश के कोने कोने से लोग यहाँ श्रद्धालु भक्त प्रेमी आए हुए हैं और इसमें भाग ले रहे हैं परिक्रमा में। और ऐसा सूत्रों द्वारा कहा जा रहा है, ऐसी यहाँ की जनसंख्या देखकर लग रही है कि कम से कम 20 लाख से ऊपर यहाँ श्रद्धालु हैं जो 14 कोसी परिक्रमा में भाग ले रहे हैं। तो दोस्तों, ये अयोध्या से आप लोगों के लिए समाचार था। इसी तरह की धार्मिक स्थानों से आपको नियमित वीडियो मिलते रहेंगे। अभी इलाहाबाद में अर्थात प्रयागराज में महाकुंभ 2025 में लग रहा है 1.5 महीने बाद, तो वहाँ का हर एक वीडियो मैं आपके सामने अपडेट कर रहा हूँ, और पूरे कुंभ मेला का वीडियो आपके सामने लाइव पेश करता रहूँगा, जिससे कि आप कहीं से भी आ रहे हो किसी भी तरह से, तो आपको कोई असुविधा ना हो। चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, तभी आपको अपडेट वीडियो हमेशा मिलते रहेंगे। दोस्तों, आपको बता दूं कि इससे बेहतर वीडियो कुंभ मेला का आपको हमारे चैनल के अलावा कहीं नहीं पाएंगे, चाहे वो न्यूज़ चैनल हो, चाहे कहीं भी हो, कुछ भी हो। दोस्तों, जितना वीडियो जितना बारीकी से मैं बनाता हूँ और आप लोगों को गाइड करने के लिए, उतना कोई मेहनत नहीं कर पाता है। तो वीडियो बनाने के लिए मैं बहुत मेहनत करता हूँ दोस्तों, तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करें और आपको इसका लाभ आगे आने वाले समय में मिलेगा, और हमारे साथ जुड़ करके आपको खुशी होगी। दोस्तों, कुंभ मेला स्टार्ट होने से पहले मैं अपना एक व्हाट्सएप नंबर भी जारी करूंगा, जिससे आप डायरेक्ट मुझसे जुड़ सकते हैं। यदि आप वीडियो के माध्यम से या कमेंट के माध्यम से कोई सूचना आपको नहीं, रिटर्न में आपको आंसर नहीं मिल रहा है, उत्तर नहीं मिल रहा है, तो व्हाट्सएप में आप नंबर जारी करूँगा, उसको आप नोट कर लीजिएगा। उसके जरिए आप क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं और उसका उत्तर मैं यथावत देने का प्रयास करूंगा। दोस्तों, चैनल, मेरे चैनल लोक परलोक में पार्टिसिपेट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह मेरे चैनल के साथ बने रहिए। अगले वीडियो में एक नए अपडेट के साथ पुनः मिलता हूँ। जय श्री राम।